पिछले 8-9 माह में ही नहीं बल्कि पिछले 2 साल जो जमहूरियत आइन कानून अदालतों इंसानी हकूक के साथ खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान में, नहायत ही अफसोस है। हमारे मुल्क का तो बिल्कुल मजाक बना दिया। अब आप देखें कि मुझ पर 51 जाली पर्ची और 51 में से मैं किसी एक मुकाम पर भी मौजूद नहीं, और मैं और उसके बावजूद अगर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की एक जमात को टारगेट करने के लिए, एक लीडर को कराने के लिए आप इस हद तक आ गए कि आपने अदलिया को ना छोड़ा, आपने जमहूरियत को ना छोड़ा, आपने कानून को ना छोड़ा, आपने इंसानी हकूक को ना छोड़ा, तो ये लोगों के साथ तशद्दुद किया गया, उनके घरों को तोड़ा गया, मेरे घर को भी तोड़ा गया, लोगों के कारोबार दबा कर खवातीन के साथ जो सुनो और इस मुल्क के साथ जो आपने सुनो इसका कौन जवाब दे। आज आप देखिए आपका मुल्क किधर खड़ा है, आपकी अदालतें क्या कह रही हैं, आपके हाईकोर्ट के जजेस क्या कह रहे हैं, दुनिया आपके बारे में क्या कह रही है, और आपने इलेक्शन जो है एक जमात जो 2/3 अक्सरियत से जिताई, जो जीती 2/3 अक्सरियत से, फिलहाल मैं इस पर अगले 24 घंटे के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और मैं आपके सामने तमाम मुद्दाई के लेके आऊँगा। मेरे ऊपर यदि इन्होंने केसेस बनाए जो मेरे पे पिछले 10 माह के ऊपर गुजरी, मेरे घर वालों पर जो गुजरी, और जिस कर्ब से तरीके से पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का जो नाम है उसको आपने नुकसान पहुंचाया, ये कौन सी हुक्मरानी हो रही है अहमद भाई क्या?